वैसे मैंने भी अपनी राजनीति के 44 साल के जीवन निकाले हैं, लेकिन ये मैं पहली बार देखा है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपनी मन की बात के आधार से जो वो सोचते हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं, और जनता जो कुछ भी उनके बारे में और सरकार के बारे में विचार रखती है उसको भी वो सुन करके उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। ये वास्तव में देश का सौभाग्य है कि 2014 की 3 अक्टूबर से शुरू हुआ कार्यक्रम आज इसका 100वां एपिसोड पूरा कर रहा है, और बिना किसी विघ्न के। मैं सोचता हूं कि कार्यक्रम तो कई बार कई लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसको निरंतरता में रखना, समयबद्ध करना और उसको उस ऊंचाई पर ले जाना जिसको जन जन स्वीकार कर ले और जनता अपने मन से उसके साथ जुड़ जाए, ये शायद पहली बार दुनिया में अगर कहीं देखने को मिला है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात थी उसके आधार पर आपने उन्होंने सब देखा। मैं सोचता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी के अमेरिका में उपस्थित थे 27 जनवरी 2015 को, और उस दिन उनको मन की बात को उन्होंने भी शेयर किया, और उसके बाद वो यहाँ भारत में भी आकर के हमारे फंक्शन में सम्मिलित हुए, और उन्होंने इसको जिस ढंग से स्वीकार किया ये देश के लिए गौरव के विषय। मैं सोचता हूं कि इस बात से उन्होंने सामान्य जन को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। जैसे लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से उन्होंने जिस प्रकार से जनता को जोड़ा है, लगभग 90 करोड़ लोग कम और बेसी इस मन की बात को लोग सुन चुके हैं। हमको बहुत आश्चर्य है इस बात का कि उन्होंने जिस माध्यम को चुना है वो ऑल इंडिया रेडियो को चुना है। यह भी शायद उनकी बहुत बड़ी सोच थी, क्योंकि सामान्य जन के पास आज भी गांवों में टीवी नहीं। आज भी सामान्यतः हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में कईयों के पास मोबाइल नहीं, और इसलिए इस बात को ठेठ नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए तो उसका सबसे सशक्त साधन रेडियो है। गांव में आदिवासी का बच्चा भी रेडियो का एक छोटा सा लेकर के भी गाने सुनता हुआ दिखाई देता है, और उसके कारण से अपनी बात को सर्व सामान्य जनता, गरीब जनता, जो साधनहीन जनता है उसके पास भी अपनी मन की बात को पहुंचाने का जो सशक्त साधन प्रयोग किया है वो भी अपने आप में एक बड़ा आदर्श है। मैं सोचता हूं कि मन की बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी है, सामान्य जन के जीवन को प्रभावित करने वाली बातों को उन्होंने अपनी मन की बात से रखा, लोगों ने उसको सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ाया और आगे चल करके वो जन आंदोलन के रूप में स्वीकार हो गया। जब पहली बार उन्होंने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया तब कई लोगों ने हंसी उड़ाई थी कि देश का प्रधानमंत्री के झाड़ू पकड़ने से क्या होगा, लेकिन उन्होंने इस बात को एक जन जन तक पहुंचा करके प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ लिया, और उसके कारण से आज आप देखते हैं कि जैसे हिमालय की सफाई के बारे में आप तो उसकी बात छोड़ो, रेलवे स्टेशन पर आप भी गए हो, मैं भी गए, इतने सालों तक रोज रेलवे पे जाते थे, लेकिन जब तक ट्रेन नहीं आती थी तब तक दूर जाकर के बैठते थे क्योंकि नीचे इतनी बदबू आती है तो उसके पास बैठ नहीं। आज की तारीख में हिंदुस्तान का कोई भी रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं है जो आपके घर से ज्यादा साफ नहीं। ये स्वच्छता को इस रूप में स्वीकार करना और यहाँ तक पहुंचा देना बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ कि कोविड के वैक्सीन के समय में जिस प्रकार की स्थिति बनी उस वैक्सीन को भी जन जन तक पहुंचाना और जनता का सहयोग लेकर के उसको 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचा देना और उसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा कंटा न होना, जिस सीरियल वाइज और उसका माध्यम क्या बना, ये मन की बात बना। आपने देखा हो घर घर तिरंगा की बात जो उन्होंने पहुंचाई, वो घर घर तिरंगा भी इसी मन की बात के आधार पर हिंदुस्तान के प्रत्येक जन को जोड़ा और जोड़ने के कारण से लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो वास्तव में उन्होंने हिंदुस्तान के किसान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और किसान की जो समस्याएं उनको समझने का भी प्रयास किया।
उसकी मन की बात को समझने। मैं सोचता हूँ कि ये जो अपनी मिट्टी की जो गुणवत्ता है इसके बारे में उन्होंने विषय दिया और हिंदुस्तान के 11 करोड़ लोगों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करके उसकी क्वालिटी को समझ लिया। फसल का अच्छा दाम कैसे मिले इससे उसको जोड़ने का प्रयास किया। किसान की आमदनी दुगुनी कैसी हो उसको उससे जोड़ने का प्रयास किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर उसको कैसे लाभ मिले उसको जोड़ने का प्रयास किया। सिंचाई के साधनों का कैसे उपयोग किया जाए उसके बारे में उसको जोड़ने का प्रयास। और नौजवान को भी जोड़ा। मैं सोचता हूँ कि नौजवान सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो उसके दिमाग में रहता है परीक्षा एक हवा है उसके ऊपर और परीक्षा के कारण से आप और हम कई बार अपने बच्चे से बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं ये सब IAS ही बनना चाहिए डॉक्टर ही बनना चाहिए इंजीनियर और वो बच्चा इतना दबाव में रहता है कि वो कई बार उस पर नजदीक नहीं पहुंच पाता है। तो मेरे यहाँ विशेष करके कोटा में इतने बच्चों की आत्महत्या होती है। माँ बाप तो ये सोच करके भेजते हैं कि मेरा बच्चा कल का मेरा भविष्य है लेकिन दबाव के कारण से इसके बारे में भी देश का प्रधानमंत्री बात करता है कि परीक्षा पास करना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है मनुष्य जीवन इसके ऊपर भी कुछ है इस बात की ओर उन्होंने उन बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि बच्चों की क्वालिटी को पहचानने का उन्होंने प्रयास किया बच्चों को अपने इतिहास से जोड़ने का प्रयास किया एंड बच्चों की क्षमता को है ना सपने देखने की आदत भी होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। एक तरह से नौजवान पीढ़ी को भी उससे जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं ऐसे सोचता हूँ जो आप में से कई लोगों ने सुना है उन्होंने देश की सभी प्रकार की बातों से अपने एपिसोड के द्वारा जनता से सीधे जुड़े और अभी आपने देखा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको ढूंढना असंभव लगता है। हमने भी अपनी जिंदगी के इतने साल गुजार दिए लेकिन हमें भी पता नहीं लगा कि कौन आदमी कहाँ किस प्रकार का काम कर रहा है। मेरे यहाँ उदयपुर में एक बेदला गांव है जहाँ गांव के लोगों ने अपनी बावड़ी को इतनी साफ सुथरी की तो वो इसको उस एपिसोड को भी उन्होंने जोड़ करके मन की बात में जो उसका वर्णन किया अभी कुछ नमूने आपके सामने रखे हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके देश के लोगों को अपने मन के साथ जोड़ता है। सरकार की योजनाएं तो कई हैं और सरकार की योजनाओं को जनता के साथ शेयर करके जनता को उसके और अग्रसर कर देना यह बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि उन्होंने हर चीज को जनता की जो समस्याएं हैं जिनके बारे में सोचते हैं अब आपने और मैंने सोचा नहीं था कि 45 करोड़ जनधन के खाते खुल जाए। हिंदुस्तान में राज कितने समय तक हमने भी देखा है लेकिन सरकार का पैसा हमेशा कैश में जाता था उसके कारण से कुछ न कुछ कट लग जाता था उस गरीब के पास वो पैसा नहीं पहुंचता था जिसके नाम से निकला हुआ था। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये सोचा कि नहीं जनधन के खाते खुलाओ सरकार का जितना पैसा है सीधा खाते में भेजो ताकि 100% उस व्यक्ति को मिले जो इसका हकदार है। इस बात को पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को है तो इसी मन की बात के आधार पर उन्होंने खाते खुलाओ पहली बार आपको भी समझ में नहीं आया हमें भी समझ में आया रोज क्या जिद करते हैं खाते खुलाओ लेकिन खाते खुलने से जो लीकेज था उस लीकेज को उन्होंने समाप्त कर दिया। और जिस दिन आपने सोचा होगा 17 के अंदर जब करेंसी बंद हुई थी तो हाँ अपने सबके दिमाग में लगा होगा क्या है ना लोगों को लगा एक उत्साह मच गया है कैसे होगा क्या होगा लेकिन उन्होंने अपनी मन की बात के आधार पर देश के लोगों को उसकी वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास किया। इस देश में इतनी करेंसी है ना फर्जी करेंसी आ गई है जिसके कारण से देश में कई प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। उन्होंने ये जो आपका इस पूर्वांचल का जिस प्रकार की हिंसक घटनाएं होती थी जिस प्रकार से अशांति होती थी इस अशांति को समाप्त करने के यहाँ के लोगों को अपने मन से जोड़ा उनकी समस्याओं को समझा और समझने के बाद उनके साथ बातचीत करके और उसका सही हल निकालने का प्रयास किया और उसके कारण से आज पूर्वांचल जिस शांति की ओर जा रहा है वो विकास के अपने आप पायदान उसके पास लग गए। तो वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने हर छोटी से छोटी बात को समझने की बात कोशिश की और मन की बात के आधार पर आपको और मेरे तक पहुंचाने की कोशिश की और आपकी और मेरी बात को समझ करके उसका हल निकालने के लिए भी केवल एक साइड से बात नहीं हुई है ये दोनों साइड से बात होना यह वास्तव में इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार बना है। और दुनिया में आज दिन तक अगर नरेंद्र मोदी जी को जो ऊंचाई आज मिली है और उनका रेटिंग जो है ना 76% सारी दुनिया में उनको जो स्थान मिला है उसमें से सबसे बड़ा रोल किसी का है
तो ये 100वां एपिसोड मन की बात है, जिसके आधार पर दुनिया की राजनीति को भी समझा दिया कि राजनीति में काम करने वाला जो भी लीडर होता है वो जनता को जब साथ लेकर के काम करने का प्रयास करता है, जनता को जोड़ करके काम करने का प्रयास करता है, जनता की समस्या को समझ करके उसको हल निकालने का प्रयास करता है, तब जाकर के वो सफल होता है। तो मैं सोचता हूँ आज के दिन आप सब लोग यहाँ पधारे, मैं आपका एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।